नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल, टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने दो मीडियम साइज की एकदम ताजी ताजी लौकी को कद्दूकस करके लिया है, और जब आप इसको वजन से नापेंगे तो ये 675 ग्राम है। तो मैंने ये एक पैन ले लिया है, और अभी हमें करना है लौकी को बॉईल। तो लौकी को पैन में डालेंगे, साथ ही में हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक और आधा कप के बराबर पानी डाल देंगे इसमें, और फिर मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखना है, और बीच बीच में एक से दो बार चलाते हुए लौकी को बॉईल कर लेना है। लौकी अब सही से बॉईल हो गई है, तो गैस को हमें ऑफ कर देना है और लौकी को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। बॉईल की हुई जो लौकी है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो लौकी को इस तरह से दबा दबा कर हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। और ये जो पानी निकल रहा है ना इसमें से, इसको आप फेंकना मत, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इस पानी को आप दाल बनाते टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इससे आटा भी गूंद करके तैयार कर सकते हैं। लौकी को हमने अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ लिया है, और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये जो लौकी निचोड़ने के बाद बची हुई है, इसको आप कप से नापेंगे तो ये 1.25 कप है। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है। ये आलू हम इसमें डाल देंगे। आलू डालने से जो टिक्की का मिक्सचर है ना, वो बहुत ही बढ़िया से बाइंड हो जाएगा, और जो टिक्की का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब हमें इसमें कुछ मसाले मिक्स करने हैं, तो ये मैंने लिया है 3 से 4 चुटकी काली मिर्च पाउडर। इसको इसमें डालेंगे, इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा टिक्कियों का। 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। लौकी बॉईल करते टाइम भी हमने इसमें नमक डाला था, इसलिए नमक थोड़ा हिसाब से और अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। एक छोटी चम्मच कुटी हुई अदरक और मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके और मिर्च को बारीक काटकर भी इसमें डाल सकते हैं। हींग 2 चुटकी, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे आखिरी में। पहले हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी ये सारी चीजें थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं, और ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और मैंने 5 व्हाइट ब्रेड के क्रम्स बनाकर लिए हैं। तो ये पूरे ब्रेड क्रम्स हम इसमें डाल लेते हैं। अब इस मिक्सचर को हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मिक्सर जार में आप ब्रेड को तोड़ तोड़ कर डालें और फिर ग्राइंड कर लें अच्छे से, तो ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स से क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा ना आलू का, लौकी का, वो ये ब्रेड पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। टिक्कियों का बहुत ही बढ़िया परफेक्ट शेप भी आएगा, टिक्कियाँ बढ़िया कुरकुरी भी बनेंगी, और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। टिक्कियों के लिए मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो पहले हाथों को ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे, और अब थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से इसको टिक्की वाला शेप दे देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनकर के तैयार हुई है। इसको प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से हम पहले सारी टिक्कियां बना लेते हैं, उसके बाद इनको सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट और शाम की चाय के लिए। जनरली बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, और बच्चे क्या, काफ़ी बड़े लोग भी हैं जो लौकी नहीं खाते हैं। तो आप इस तरह से लौकी की टिक्कियां बना करके अपने घर में सबको खिलाइए, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। हमने सारी टिक्कियां बना ली हैं, और आज हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि शैलो फ्राई करेंगे, जिससे कि ये ज़्यादा ऑयली ना हो और खाने में भी बढ़िया लगे और हेल्दी रहे। तो अभी एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे और गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। क्योंकि हमने टिक्की को शैलो फ्राई करना है, इसलिए हम पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को पैन में पहले इस तरीके से फैला लेंगे और थोड़ा सा गरम कर लेंगे तेल को। तेल अभी गरम हो गया है, तो एक एक करके हम टिक्कियां पैन में रखेंगे। थोड़ा दूर दूर रखना है, जिससे कि इनको इजिली हम पलट कर सेक सकें। थोड़ा सा तेल टिक्कियों के इस तरफ भी हम ऊपर ऊपर डाल देंगे, और टिक्कियों को एक तरफ से बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। टिक्कियां जो है हमारी, वो एक तरफ से सिक गई हैं अच्छे से,
तो इनको आप पलट लेते हैं और देखिए कितनी बढ़िया हमारी टिक्कियाँ सिक गई हैं एक तरफ से। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम टिक्कियों को सेक लेते हैं। अब ये जो हमारी टिक्कियाँ हैं ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुकी हैं, तो इनको हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। अभी पैन में काफ़ी तेल बाकी है तो इसी तेल में हम और भी टिक्कियाँ सेक लेते हैं। बस इस तरफ टिक्कियों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं जिससे कि टिक्कियाँ इस तरफ से भी बढ़िया करारी करारी सिक जाएंगी। लीजिए, तैयार हो गई हमारी सुपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लौकी की टिक्कियाँ। है ना मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी। तो फटाफट आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी मनपसंद चटनी, सॉस या चाय कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म टिक्कियों का आनंद उठाइए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। Have a nice day.